हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू एजे आर्ट्स। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं श्री राम जी का एक सिंपल सा ड्राइंग। और आज का वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाला है और मैं बहुत ही सिंपल मेथड से आपको बताऊंगा कि आप लोग इस ड्राइंग को कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अपनी कॉपी पेंसिल लेकर रेडी हो जाओ मेरे साथ ड्रॉ करने के लिए एंड लेट्स बिगिन द ट्यूटोरियल। ऑलराइट गाइस, तो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का ये वीडियो। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टेडलर की ये 2B पेंसिल। आप कोई भी नॉर्मल सी नटराज की या फिर कोई भी HB पेंसिल यूज़ कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में लाइट ग्रेड की पेंसिल यूज़ करना। एंड इस ड्राइंग को मैं ड्रॉ करने वाला हूँ इस A4 साइज के स्केचबुक पे। आप कोई भी पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करके, और सर्कल यहाँ पे फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड आप कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। एंड सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें उसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कुछ इस तरह से, और सेम ऐसे ही हमें हॉरिजॉन्टली भी उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एंड यहाँ पे मैं जो ऊपर वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा जो है बड़ा रखूंगा, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा शॉर्ट रखूंगा, ठीक है। एंड जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसके नीचे हम लोग एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस लाइन के ऊपर हम लोग ड्रॉ करेंगे हमारी आइज को। और जो हमारी नोज है और चिन है उसके लिए यहाँ पे दो पॉइंट्स में मार्क कर रहा हूँ इक्वल डिस्टेंस पे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये मैं फर्स्ट जो है हेड का शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, और कुछ यहाँ पे लाइंस वगैरह जो है ड्रॉ कर दे रहा हूँ, सो दैट एक फेस का हमें ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में हम लोग जो हमारे फेस का आउटर लाइन है वो भी हम लोग कुछ इस तरह से लाइंस के जरिए दिखा देंगे। तो सिंपल यहाँ पे एक हमने जो है हेड ड्रॉ कर लिया है, और जितना हमने ये पूरा हेड ड्रॉ किया है अब इसको मेजर करेंगे ऊपर से नीचे तक का पार्ट को, और ठीक इतना ही हमें डिस्टेंस पे नीचे एक पॉइंट मार्क करना है और एक और पॉइंट मार्क करना है इतने डिस्टेंस पे। तो कुछ दो हमें पॉइंट्स मार्क कर ले रहे हैं। एंड अब यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ सिंपल कुछ इस तरह से, और ये लाइन होगी हमारी शोल्डर्स के लिए। तो जो हमारा एक हेड है मतलब ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, इतना ही हमें मेजर करना है दोनों तरफ, ठीक है। और उतना ही हमारा जो शोल्डर्स की विड है, जो शोल्डर्स की चौड़ाई है वो होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें शोल्डर्स की जो चौड़ाई है वो मिल जाएगी। राइट, अब नीचे बढ़ेंगे, और नीचे यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो हमने सेकंड पॉइंट मार्क किया था उसके ऊपर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये कुछ इस तरह से एक शेप हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो बेसिकली ये हमारा जो चेस्ट वाला एरिया है वो इस बॉक्स के जरिए हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हम लोग हैंड्स को ड्रॉ करेंगे, और अगेन हैंड्स के लिए यहाँ पे मैं सिंपल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो हमने नीचे वाली लाइन ड्रॉ करी थी उससे थोड़ा सा ऊपर हम लोग अपना हमारा जो अपर आर्म है वो ड्रॉ करेंगे। एंड ठीक ऐसे ही जो हमारा लोअर आर्म है उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से, और सेम ऐसे ही जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। एंड जो हमारे हैंड्स है उसके लिए यहाँ पे मैं एक ये डायमंड टाइप की शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट पोज है वो कुछ इस तरह का होगा, एंड अब इसी को हम लोग एज अ बेस यूज़ करेंगे और एज अ गाइडलाइन यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड अब बढ़ते हैं नेक की तरफ। तो धीरे धीरे हम लोग अब यहाँ पे शेप्स वगैरह ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल मैं लेंथ नेक को ड्रॉ कर रहा हूँ, और शोल्डर्स के यहाँ पे दो सिंपल लाइंस यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। एंड बेसिकली अब यहाँ पे हम लोग जो है हमारी जो फर्स्ट लाइंस हमने ड्रॉ करी थी जो स्केलेटन हमने ड्रॉ किया था, अब इसके ऊपर हम लोग शेप्स वगैरह ड्रॉ करेंगे एंड थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे जो हमारी फॉर्म्स हैं उनको दिखाएंगे, ठीक है। ओके, तो हैंड्स वगैरह के लिए मैं यहाँ पे सिंपल बॉक्सेस वगैरह का यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे आप देख रहे होंगे वीडियो में, सेम ऐसे ही आपको बॉक्सेस वगैरह ड्रॉ कर लेने हैं। और स्टार्टिंग में जो भी आप लाइंस ड्रॉ करो उन्हें लाइट ड्रॉ करना, जितना हो सके उन्हें लाइट ड्रॉ करना, क्योंकि बाद में इन लाइन्स को हम लोग इरेज कर देंगे तो इनका कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है। बट स्टार्टिंग में हम इन लाइन्स को यूज़ करेंगे, और फिर इन पर अच्छे से हम लोग जो हमारी शेप्स है, जो हमारी बॉडी के एक्चुअल कर्व्स होते हैं वो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ और जो है क्लोथ्स वगैरह वो ड्रॉ कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे दिखा देते हैं। और बहुत ही सारे डिटेल में हम लोग यहाँ ड्रॉ नहीं करेंगे, सिंपल हम लोग शेप्स के जरिए यहाँ पे जो है चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे। एंड जब हम लोग डिटेल्स ऐड करेंगे तब हम लोग उन चीज़ों को और अच्छे से यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है।
ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्केच एंड अब इसको यूज़ करते हैं हम लोग एज अ बेस और अब इसके ऊपर हम लोग जो है डिटेल्स वगैरह ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे पहले हम लोग हेड से और हेड को मैं हल्का से यहाँ पे इरेज कर ले रहा हूँ, ठीक है, और ये नीचे वाली लाइंस हम लोग इरेज कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हल्का से मैंने इरेज कर लिया है एंड जो हमारी आई लाइन थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अब उसी पे हम लोग यहाँ पे जो है एक दो पॉइंट्स मार्क करेंगे हमारी सेंटर लाइन से मेजर करते हुए, ठीक है, और जो ये पूरा बीच का डिस्टेंस आएगा उतना हमारा एक आई डिस्टेंस होगा एंड इतने ही पॉइंट हमें दोनों तरफ मार्क करना है। तो बेसिकली हमें दोनों तरफ इक्वल जो है आईज ड्रॉ करनी है और दोनों तरफ इक्वल गैप मार्क करना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड अब यहाँ पे हम लोग कर्व लाइंस ड्रॉ करेंगे क्योंकि जो हमारे श्री राम जी के आईज़ हैं वो क्लोज हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कर्व लाइंस को कुछ इस तरह से जो है ड्रॉ करेंगे। एंड अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सिर्फ देखो मत और वीडियो के साथ में ड्रॉ करते रहो, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा और आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड को ज़्यादा नहीं रखा है तो इसलिए आप लोग अच्छे से फॉलो भी कर सकते हो। एंड सेम ऐसे ही नोज़ भी ड्रॉ कर लेते हैं जो हमने आईज़ के पॉइंट्स ड्रॉ किए थे, वहाँ से हम लोग मेजर करते हुए दो पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है, और सिंपल लाइंस ड्रॉ करेंगे। एंड नॉस्टल्स दिखाने के लिए दो कर्व लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और आप देख सकते हो वीडियो में आप जब अच्छे से देखोगे ड्रॉ करोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं लिप्स की तरफ और जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड फिर हम लोग बीच में एक वी टाइप की छोटी सी शेप ड्रॉ करेंगे और कुछ इस तरह से दोनों तरफ कर्व्स ड्रॉ करेंगे जिससे हमारा जो लिप्स का जो सेंटर लाइन है वो मिल जाएगी। एंड नीचे वाली लाइन भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं लोअर लाइन, उसके लिए हल्का सा यहाँ पे कर्व ड्रॉ करेंगे एंड सेम ऐसे ही ऊपर भी हम लोग एक वी टाइप की शेप ड्रॉ करेंगे और लिप्स को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिप्स को ड्रॉ कर लेंगे एंड कुछ और जो डिटेल्स हैं वो भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एंड आईब्रोज वगैरह वो भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और आईब्रोज के लिए भी आप लोग शेप्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप वीडियो में देख रहे होंगे मैं कैसे शेप्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे फेस के जो आउटर हिस्सा है जो आउटलाइन है एंड अब आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि कैसे मैं यहाँ पे फेस के जो आउटर लाइंस हैं उनको कैसे रिफाइन कर रहा हूँ। जो हमने स्टार्टिंग में बॉक्स टाइप की शेप ड्रॉ करी थी अब उसी को मैं थोड़ा और कर्वी कर रहा हूँ और थोड़ा और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कैसे मैं उसको रिफाइन कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको भी जो है अच्छे से रिफाइन करना है एंड जो आपने बॉक्स टाइप की शेप ड्रॉ करी थी अब उसको थोड़ा सा कर्व कर देना है क्योंकि हमारा फेस कर्व होता है, बॉक्स नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको फेस ड्रॉ कर लेना है। आप बढ़ेंगे हेयर्स की तरफ और हेयर्स के लिए अगेन सिंपल हम लोग जो है स्टार्टिंग में लाइंस वगैरह और शेप्स वगैरह ड्रॉ करेंगे। तो हेयर्स ड्रॉ करने से पहले यहाँ पे मैं ईयर्स को दिखा देता हूँ। तो जो हमारी नोज लाइन है वहाँ से हम लोग जो है ईयर्स को स्टार्ट करेंगे, मतलब ईयर का जो एंड पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे एंड सेम ऐसे ही हमारा जो लेफ्ट वाला साइड है उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर वाला जो पार्ट है वो हेयर से कवर हो जाएगा तो उसको दिखाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लोअर पार्ट ईयर का वो दिखाएंगे, ठीक है। एंड हेयर्स के लिए यहाँ पे मैं सिंपल लाइंस वगैरह का यूज़ कर रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ अभी क्योंकि बस हमें यहाँ पे एक फ्लो दिखाना है हेयर्स का, किस डायरेक्शन में हेयर फ्लो हो रहे हैं एंड जब हम लोग डिटेल में ड्रॉ करेंगे तो हम और अच्छे से यहाँ पे दिखा देंगे वो चीज़ें, ठीक है। और गाइस, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो और आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए एंड सब्सक्राइब करना अगर आप नए उस चैनल पे और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना बिकॉज इस टाइप के वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे।
और गाइस तो हमने अपना फेस ड्रॉ कर लिया है एंड अब बढ़ते हैं हमारी बॉडी की तरफ। और सेम जैसे हमने फेस में डिटेल्स वगैरह ऐड करी हैं, ठीक है, जो कर्व्स वगैरह हैं वो ऐड किए हैं, वैसे हम लोग बॉडी में भी ऐड करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट मैं लाइटली इरेज कर ले रहा हूँ जो हमने स्टार्टिंग में लाइंस वगैरह ड्रॉ करी थी, उनको हल्का सा इरेज कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिटेल्स वगैरह ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके तो सिंपल आपको यहाँ पे हैंड्स वगैरह जो है वो कर्व्स ड्रॉ करने हैं बेसिकली। एंड वीडियो में आप देख सकते हो किस तरह से मैं कर्व्स वगैरह ड्रॉ कर रहा हूँ एंड जो हमारी एक्चुअल मसल्स वगैरह होती हैं वो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ कर ले रहे हैं। ओके यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आपके शोल्डर्स हैं वो एक्यूरेट हो, मतलब दोनों जो शोल्डर्स हैं वो आमने सामने हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा जो हमारा राइट वाला शोल्डर है उसको वो ऑफ हो गया है और ये चीज़ मुझे बाद में रियलाइज हुई तो मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया है। तो अगर आपका जो शोल्डर है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको आप फिक्स कर लीजिएगा एंड मेजर करके आप लोग अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ करिएगा। ओके ओके तो बढ़ते हैं हमारे हैंड की तरफ और जो हमारा हैंड है उसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हैंड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे डिटेल्स वगैरह ड्रॉ करनी है, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पे सिंपल तरीके से हैंड ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो हमने शेप ड्रॉ करी थी उसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं एंड अब यहाँ पे हम लोग जो है कर्व्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं सिंपल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ और एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और उस ट्रायंगल के बीच में यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा यहाँ पे एक होल टाइप का ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली सिंपल यहाँ पे हम लोग बहुत सारा डिटेल में नहीं ड्रॉ करेंगे एंड सिंपल लाइंस के ज़रिए हम लोग फिंगर्स वगैरह जो हैं वो दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड ठीक ऐसे ही जो हमारी बाकी डिटेल्स वगैरह रह गई हैं उनको भी हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। We'll be right back.
ऑलराइट, अब यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड में एक धनुष भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने अपनी जो फर्स्ट आउटलाइंस है वो कंप्लीट कर ली है। एंड अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा फर्स्ट रेफरेंस कैसा लग रहा है। एंड अब यहाँ पे मैं एक बार इसको फिर से कम्प्लीटली इरेज करूँगा, मतलब पूरा इरेज नहीं करूँगा, लाइटली इरेज करूँगा। और अब इसको यूज़ करके अच्छे से जो हमारी छोटी मोटी और डिटेल्स हैं, छोटी मोटी जो मिस्टेक्स हैं उनको फिक्स करते हुए अपनी ड्राइंग को कम्प्लीट कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उस पार्ट को थोड़ा सा स्किप किया है, और अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो पॉज करना, देखना मैंने वो चीज़ कैसे ड्रॉ करी है। तो बेसिकली यहाँ पे डिटेल्स वगैरह हैं वो हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है, एंड हेयर्स वगैरह में और जो क्लोथ्स वगैरह में है वो सब डिटेल्स यहाँ पे ड्रॉ करी है। और हमारा फर्स्ट जो स्केच है वो इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से ड्रॉ करोगे तो आपकी डिटेल्स भी और अच्छे से ड्रॉ होंगी। ठीक है, ऑलराइट, सब कुछ हो जाने के बाद फाइनली हमने अपना ड्राइंग कंप्लीट कर लिया है। एंड अब आप देख सकते हो हमारा ड्राइंग कैसा लग रहा है। मैं यहाँ पे इसके क्लियर रेफरेंस भी पिन कर देता हूँ, क्योंकि जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लियर रेफरेंस पिन कर दिया है, आप देख सकते हो आपको आपके पास एक क्लियर रेफरेंस है, आप इस रेफरेंस को यूज़ करके जो है अपनी ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो। एंड कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको इस टाइप के और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ड्राइंग।